दोनों फोन्स के बॉक्स में हमें कोई भी चार्जर नहीं मिल रहा भाई। अब आप भी सोचो कि आप कोई प्रीमियम फोन ही खरीद रहे हो। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे सैमसंग गैलेक्सी M34 5G स्मार्टफोन को सैमसंग गैलेक्सी M14 5G स्मार्टफोन के साथ में। और यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स के डिस्प्ले की। तो आपको बता दूं कि M34 के अंदर हमें 6.5 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। और वहीं दूसरी तरफ M14 के अंदर हमें 6.6 इंचेस की फुल HD प्लस PLS LCD डिस्प्ले दी गई है जो कि सिर्फ 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहां पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से ना M34 स्मार्टफोन की एकदम बढ़िया है, क्योंकि इस फोन के अंदर हमें सुपर AMOLED पैनल मिल रहा है भाई। अच्छी बात है, मजेदार कंटेंट वॉचिंग आपको करवा देगा। लेकिन जरा M14 5G को देखना भाई, सिर्फ PLS LCD पैनल दिया जो कि एवरेज है भाई। देखिए काम मुका दिया इन्होंने तो। और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो M34 यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ में आता है, जिसमें आपको 4 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। और ये स्मार्टफोन One UI 5.1 पर बेस्ड है। और वहीं दूसरी तरफ M14 भी यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ में आता है, जिसमें आपको 2 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। और ये स्मार्टफोन One UI 5.1 कोर पर बेस्ड है। यानी कि दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम और UI दोनों ही मामलों में यहाँ पर M34 स्मार्टफोन ही विनर है, क्योंकि इस फोन के अंदर हमें ज्यादा एंड्रॉइड अपडेट्स और सिक्योरिटी अपडेट्स मिल रहे हैं भी। अच्छी बात है। और साथ ही यार जो One UI है ना, उसका फुल वर्जन आपको देखने को मिल रहा है इस फोन के अंदर। M14 अपडेट्स भी कम दिए और जो One UI का वर्जन दिया वो भी लाइटर वाला दिया जो कि कोर वर्जन है, One UI 5.1 कोर। भाई कॉस्ट कटिंग करनी ना कोई M14 के हिसाब से सीखे। और चिपसेट की अगर हम बात करें तो M34 के अंदर हमें Exynos 1285G चिपसेट दिया गया जो कि 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ M14 के अंदर हमें Exynos 1335G चिपसेट दिया गया जो कि 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और आपको बता दूं दोस्तों डे टू डे परफॉर्मेंस और गेमिंग के मामले में यहां पर दोनों ही चिपसेट बढ़िया है। साथ ही यार दोनों फोन्स का एंटीडू स्कोर भी यहां पर आता है 4,05,000 के करीब। और दोस्तों अगर आप इन दोनों फोन्स में से किसी वाले को बाय करना चाहते हैं ना, तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से जाकर आप इन्हें बाय कर सकते हैं। और अब बारी आती है भाई बैक कैमरा सेटअप की। तो दोनों स्मार्टफोन्स के बैक में हमें ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है। और सबसे पहले हम बात करेंगे M34 की। तो इस फोन का मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, और जो मैक्रो कैमरा वो है 2 मेगापिक्सल का। वहीं दूसरी तरफ M14 का मेन कैमरा भी है 50 मेगापिक्सल का, मैक्रो कैमरा है 2 मेगापिक्सल का, और जो डेप्थ कैमरा वो भी है 2 मेगापिक्सल का। और आपको बता दूं दोस्तों दोनों स्मार्टफोन का जो मेन कैमरा ना भाई, वो तो काफी अच्छी फोटोज वगैरह आपकी क्लिक कर देगा, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जरा M14 को देखना भाई, कोई भी अल्ट्रा वाइड कैमरा ने कुछ भी नहीं दिया, बस 2 का मैक्रो 2 का डेप्थ दिया जो कि यूजलेस कैमरा जिसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए दोस्तों अगर आपकी प्रायोरिटी भाई अल्ट्रा वाइड कैमरा भी है ना, डेफिनेटली अब यहां पर M34 की तरफ ही जरूर से जाइए। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप M34 के बैक कैमरा से 4K तक कर सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ M14 के बैक कैमरा से आप मैक्सिमम 1080 पिक्सल तक ही वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और यहां पर तो यार वीडियो स्टेबलाइजेशन में भी फर्क है, क्योंकि M34 यहां पर OIS प्लस EIS टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है, वहीं दूसरी तरफ M14 यहां पर सिर्फ EIS टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। दोस्तों अगर आपको बढ़िया स्टेबल वीडियो बनानी है ना भाई, डेफिनेटली आप यहां पर M34 की तरफ ही जरूर से जाइए। ये तो सिर्फ कॉस्ट कटिंग की दुकान है भाई और कुछ नहीं है। और दोस्तों फ्रंट कैमरा की अगर हम बात करें तो दोनों फोन्स के फ्रंट में हमें 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। भाई सेल्फी लवर्स के हिसाब से यहां पर दोनों स्मार्टफोन बढ़िया है। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा से सिर्फ 1080 पिक्सल तक ही कर सकते हैं। बैटरी डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो दोनों फोन्स के अंदर हमें 6000 mAh की बहुत बड़ी बैटरी दी गई है, लेकिन दोनों फोन सिर्फ 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। और एक और जरूरी बात दोस्तों, दोनों फोन्स के बॉक्स में आपको कोई भी चार्जर नहीं मिलेगा यार, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और नेटवर्क कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो दोनों स्मार्टफोन यहां पर ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। 3.5 mm जैक हमें दोनों फोन्स के अंदर दिया गया है। साथ ही यार दोनों स्मार्टफोन यहाँ पर सिंगल स्पीकर के साथ पे आते हैं। और सिक्योरिटी के लिए हमें दोनों फोन्स के अंदर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक भी देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं दोनों फोन्स की प्राइसिंग की। तो आपको बता दूं कि सैमसंग M34 स्मार्टफोन के 6+128GB वेरियंट की प्राइसिंग है 20,000 रुपए, वहीं दूसरी तरफ सैमसंग M14 स्मार्टफोन के 6+128GB वेरियंट की प्राइसिंग है 15,000 रुपए। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना भाई इन दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग तो आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ M34
की तरफ ही जरूर से जाना चाहिए। हाँ मैं मानता हूँ यार आप 5000 पे एक्स्ट्रा जरूर पे कर रहे हो इस स्मार्टफोन के लिए, लेकिन दोस्तों 5000 एक्स्ट्रा पे करके आपको डिस्प्ले कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से एकदम बढ़िया वाली मिल रही है, ज्यादा एंड्रॉइड के अपडेट्स मिल रहे हैं, साथ ही वन यूआई का फुल वर्जन मिल रहा है, बैक कैमरा सेटअप बढ़िया वाला मिल रहा है दोस्तों, ओआईएस प्लस ईआईएस टेक्नोलॉजी भी मिल रही है। तो भाई आप 5000 पे काफी अच्छी चीज के ऊपर स्पेंड कर रहे हो, बेशक 2-4 महीने आप रुक जाओ यार, लेकिन फोन लेना तो सिर्फ यही वाला लेना। तो बस दोस्तों यही थे मेरे कुछ ऑनेस्ट ओपिनियन दोनों स्मार्टफोन्स के लिए। खत्म।